तो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत सिंह। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गेम लूप इम्यूलेटर के बारे में, क्योंकि दोस्तों जब से पबजी मोबाइल बैन हुई है, गेम लूप इम्यूलेटर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो 25% पर दिखाता रहता है इंस्टॉलेशन, लेकिन उससे आगे नहीं जाती है। हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आप गेम लूप इम्यूलेटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो हमें कौन सा ऐसा इम्यूलेटर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है जिसके अंदर हम पबजी मोबाइल विदाउट एनी लैग प्ले कर सकें? तो चलिए अब जान लेते हैं गेम लूप को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बैन होने के बाद। तो दोस्तों, बैन होने के बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको VPN की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर ओपन VPN का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का VPN सर्वर है और मैंने ओपन VPN के अंदर अपना VPN डाला हुआ है। यहाँ पर मेरे पास 3 OpenVPN के अंदर मैंने अपने सर्वर क्रिएट कर डाले हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपना खुद का VPN कैसे बना सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने पहले ही बता दिया है कि हम VPN को सेटअप कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, ये VPN सेटअप बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं VPN को कनेक्ट कर रहा हूँ। VPN को कनेक्ट करने के बाद तो हम फिर से उसी फोल्डर के अंदर चलते हैं जहाँ पर हमने गेम लूप को डाउनलोड किया हुआ है। तो इस गेम लूप के सेटअप को मैं फिर से क्लिक करता हूँ और इंस्टॉलेशन के बटन के ऊपर फिर से प्रेस करता हूँ। तो पहले यहाँ पर स्टक हो जाता था हमारा सिस्टम, ठीक है, इससे आगे गेम लूप की इंस्टॉलेशन नहीं जाती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको गेम लूप का 8-9 MB का जो सेटअप होता है, अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको VPN लगाना है जैसे कि मैंने लगाया है, और इसे बहुत ही आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके अलावा मैं दूसरा सबसे बेस्ट इम्यूलेटर मानता हूँ पबजी मोबाइल खेलने के लिए मीमो। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों ज़्यादातर जो इम्यूलेटर है वो OpenGL के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो पुराने PC हैं उनके अंदर जो OpenGL टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। लेकिन यहाँ पर मीमो इम्यूलेटर एक एडवांटेज आपको दे देता है। मीमो इम्यूलेटर फोकस करता है DirectX के ऊपर, इसी वजह से जो पुराने PC हैं जिनके अंदर OpenGL वर्जन 3 है या फिर 3.5 है, तो उनके अंदर जो पबजी मोबाइल है वो गेम लूप के अंदर अच्छे से चल नहीं पाती और ना ही एलडी प्लेयर के अंदर चल पाती है। तो वो यूज़ कर सकते हैं मीमो इम्यूलेटर, क्योंकि मीमो इम्यूलेटर के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी जो स्मार्ट की मैपिंग है वो पूरी तरह गेम लूप जैसी है, आपको कोई भी गेम खेलने में प्रॉब्लम या फिर दिक्कत देखने को नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं इस इम्यूलेटर की परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर आपको लैग बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा, आप 90 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपका जो मीमो इम्यूलेटर लैग होता है, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है। मैंने कुछ फाइल्स को एडिट किया था जिसका मैं लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आपको इस वीडियो के ऊपर जाना है और आसानी से आप अपने मीमो इम्यूलेटर को लैग फ्री बना सकते हैं। तो अगर आपको मीमो इम्यूलेटर को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मीमो इम्यूलेटर का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आपको मेरा दिया हुआ पासवर्ड भी डालना होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, साथ में आपको एक छोटा सा काम और करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना है, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।